गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। हम अभी कितना बज रहा है, 11:30। लेकिन आप पहले हम जो इससे पहले वीडियो बनाया था पहले वो देख गाइज। तो हम 7 बजे अभी और यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है 9 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ ठंड फिर से आ गई है ना। हाँ तो आपने देख लिया। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं दीपक? तो हम लोग फिर से जा रहे हैं, क्या बोलते हैं दीपक उसको, ऑटो वर्क स्टार्ट। हाँ तो ओके, तो वर्कशॉप गैराज जा रहे हैं, कार गैराज जा रहे हैं हम लोग। तो सुबह हम गए थे, सुबह उठे, एक तो मतलब इतना मुश्किल काम है सुबह उठना। सुबह उठे गए और हमारी हो गई पोपट, मतलब दीपक की हो गई। वाह भाई वाह, हो गया दीपक। मुझे 7:30 की अपॉइंटमेंट का मेल आया था, वो बोल रहे हैं कि 11:30 की है तो फिर से आएंगे। फालतू उठ गया सुबह सुबह बाहर, अभी तो फिर से आना पोपट नहीं हुई हमारी। तो इनको लगा कि 7:30, इनको लगा कि 7:30 बजे है अपॉइंटमेंट, पर एक्चुअली अपॉइंटमेंट थी 11:45 पे। तो एक और हम लोग, इसका मुझे नहीं पता पर मैं इतनी आलसी हो गई हूँ कि 7 बजे उठी तो उसके बाद आने के बाद 3 घंटे और सोई। तो चलो आप लोग भी हमारे साथ यहाँ का ऑटो का गैराज देखने, मतलब इट्स नॉट बहुत एक्साइटिंग नहीं लगता बोलने में, पर वहाँ पर एक्साइटिंग लगता है। तो आप लोग देखो और देख के बताओ कैसा होता है। आई डोंट नो वो अंदर से अलाउड करेंगे वीडियो लेना या नहीं, लेकिन मैं बाहर से सारे वीडियोस लूँगी। और हम लोगों का और भी आज प्लान है थोड़ा, तो जस्ट बी विद अस। यू वांट टू से समथिंग? भूख लग रही है ना तो मतलब आप हमको शॉपिंग नहीं कराओगे? शॉपिंग करेंगे पर खाएंगे भी कुछ। दीपक कुछ बोलना होता है जब ब्लॉग करते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे लगा जब कुछ बोलते हैं तब शूट कर लेते हैं ऐसा कुछ नहीं तो हम आ गए। कहाँ आ गए? अपने डेस्टिनेशन ATU। देखो ये है ATU, इसका नाम है ऑचो टाइले उनगर। तो दीपक बताओ ये सिर्फ रिपेयरिंग के कितने पैसे लग गए यहाँ पर? ये नॉर्मल सर्विस के लिए दी है मैंने गाड़ी। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक होता है टुफ। टुफ मतलब यहाँ की गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि 2 साल में एक बार आपको पूरी गाड़ी अपनी यहाँ की जो गैराज है उनसे चेक करवानी है और सर्टिफिकेट लेना है, तो उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, उसमें पूरा अच्छे से चेक करते हैं। अभी सर्विसिंग कराई है मैंने सिर्फ, तो सर्विसिंग के इन्होंने बताया है और टायर चेंज करवाए मैंने, समर टायर लगवाने हैं, गर्मी आ गई। वैसे मैंने पिछले बार खुद ही किए थे लेकिन इस बार कौन बुक करे और जाए, हम लोग साथ में फ्रेंड्स के साथ चले गए थे, इस बार मैं यहीं से करवा रहा हूँ। तो सर्विसिंग का और टायर चेंज का इन्होंने दिया है अभी मुझे 107 यूरो का, इसमें ऑयल चेंज करेंगे सब लगभग मतलब 8,000 रुपए के करा। अब देखो बाकी ये लोग अभी कॉल करके बताएंगे, गाड़ी चेक करके कुछ और चेंज होना है तो जैसे फिल्टर या कोई और ब्रेक फ्लूड वगैरह वो बताएंगे, देखते हैं। चलो थोड़ी गाड़ी देख लो हमारे जाने से पहले, और अब हम जा रहे हैं। देखो इट्स हाईवे। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि बर्गर किंग पे कुछ खा लिया जाए, क्योंकि हमने सुबह से सिर्फ 2 चाय पी है और कुछ भी नहीं खाया है। तो अब हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, ये चाय तो मिलती नहीं हो, बहुत ठंडा सा मौसम हो रहा है। गैश ड्राइव इन की ऑफ में पर वहाँ जाएंगे बंद है, टुच्ची हो गई तब देख लिया आगे से देख। तो अब हम लोग 1-2 किलोमीटर पैदल पैदल चल के जाने वाले हैं और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तो। फिर कहाँ जा रही हो? कॉफी पीने। कॉफी और साथ में कुछ खाना भी है? हाँ भूख तो लग रही है, नहीं तो आलू के पराठे बना। पहुँच भी हमारे शहर में पहुँच गए, तो यहाँ पे करीबन 3 ऑफिस है। क्या क्या सिटी में क्या रीजन है? बॉश जर्मन कंपनी है यहाँ पे,
इतनी बड़ी कंपनी है ना, ये हर जगह इनके ऑफिस है, हालांकि हर मैक्सिमम सिटी में इनके ऑफिस है, इवन स्मॉल टाउन्स में, विलेजेस में, हर जगह है इनके ऑफिस। हम लोग जब से चल रहे हैं कंपनी आए जा रही है इस साइड उस साइड, वो भी कोई कंपनी है, हैंडवर्क वर्क। यहाँ तो ठीक है, अपन जहाँ क्या मिल जाएगा दीपक को, एक दो तीन चार पाँच का शोरूम है, बॉश है, मर्सिडीज बेंज का शोरूम है, मैकडी है, बर्गर किंग है, बुक बाइंडर है, जहाँ से कार रेंट पे लेते हैं, पता नहीं क्या क्या बहुत कंपनी है। बता रहा था ये पीछे जो है मेरे, ये है फॉक्स वैगन, इसको एक्चुअली मैं इंडिया में वॉक्स वैगन बोलते हैं, लेकिन वॉक्स वैगन इसका असली नाम नहीं है, इसका असली नाम है फॉक्स वैगन। क्या रीज़न है, वी को कैसे प्रोनाउंस किया? वी को एफ की तरह प्रोनाउंस करते हैं जर्मन में, पाओ, इसीलिए इसका नाम है फॉक्स वैगन। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा कार जो सेल होती है वो बी डब्ल्यू की होती है वर्ल्ड वाइड, फाओवे की, फाओवे बोलते हैं इसको शॉर्ट में। स्पोर्ट्स बार म्यूजिक, और ये है देसी जिम, 4.99 यूरो प्रो वोक्यों, वाओ दीपक ये वाला शॉपिश घूमट तो मैंने आज पहली बार देखा। बस स्टैंड और इस तरफ है रेलवे स्टेशन, ओपन रेलवे स्टेशन, और अब हम जा रहे हैं कॉफी पीने में, कुछ चक्कर आ रहे हैं। ओके ये है कॉफी शॉप, ये है चल स्नैक्स एंड कॉफी शॉप। चलो हम आपको बताते, जैसे आपने मेरे पास है कैश, ये देखो, ये जैसे हमारे ठपरियाँ होती है ना स्टेशन के पास, वैसे ये है एक कॉफी शॉप। ओके तो क्या बोलना चाहोगी? तो ये वाला शॉप बहुत अच्छा है, इन लोगों ने हमने नमस्ते इंडिया नमस्ते भी बोला हुआ है, सो यहाँ पे शॉप जो हमारे यहाँ बट यहाँ पर जो भी यहाँ की स्पेशल चीज़ें होती है वो मिल रही हैं, लाइक ब्रेड और कॉफ़ी सारी, एंड या दीज पीपल आर वेरी नाइस, या थैंक यू शोन। इस व्यू के साथ कॉफी, वाओ है, मजा आ गया आज की कॉफी तो। एक्चुअली मौसम कितना अच्छा है आज, जो घूमना है ना वो बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि बहुत ही ताज़ा हवा जा रही है अंदर, एकदम बिल्कुल फ्रेश लुफ्त, बहुत अच्छा। आपको पता है ना लुफ्त, यहाँ पर जो लुफ्त का मतलब होता है एयर, तो यहाँ पर लुफ्त बोलते हैं, आई थिंक संस्कृत से आया है ना लुफ्त, लुफ्त नहीं तो अपने लुफ्त ही बोलते हैं ना, लुत्फ बोलते हैं, लुत्फ मतलब प्लेजर, वो अलग है, लुफ्त नहीं लुत्फ, ता पहले फा बाद में, लुत्फ उठाओ जीवन का, लुत्फ उठाओ जीवन का, और यहाँ लुत्फ उठाओ जीवन का, लुत्फ लुत्फ बस बस बस। सो दीपक अब कहाँ जा रहे हैं? सर्विसिंग हो गई है, गाड़ी वापस लेने जा रहे हैं। तो ये हमारा आई थिंक चौथा राउंड है ना, तीसरा सुबह 6:30 बजे, 7 बजे गए थे, फिर 11:30 बजे गए थे हमने, मतलब सोचो 3:30 बज रहे हैं अब जाना है। आप लोग सोचो हमने 5-6 किलोमीटर तो ऐसे ही चल लिए आज, मजाक मजाक आ रहा है, लेकिन मौसम अच्छा। स्टार्ट करो, इटली स्पेन, स्पेन इटली दोनों में कंफ्यूजन है, कोई सा एक स्पेन का एक इटली का है, ये वाला स्पेन का, स्पेन और कहां चलेगी स्पेन, ये सेकंड वाला स्पेन का, और फिर यूके, अमेरिका, फ्रांस, स्विस गुमुंड, फिर जर्मनी, फिर यूरोपियन यूनियन, ये हम जीत गए। क्या बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा मौसम है, वाओ गर्मी को कितना बढ़िया आया, लेकिन वाओ अबैंडन है, अबैंडन मतलब
छोड़ा हुआ। इधर पर सब कुछ पता नहीं क्या है, यहाँ भूत रहते हैं, हमें क्या पता। कितनी सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं यार, ये सब के सब शोरूम है लाइन पे, ये सब शोरूम है, यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही हैं। Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, BMW, Mercedes, सबके शोरूम है लाइन पे। अच्छा, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे यहाँ जैसे गाड़ी का भाव कितना होता है। 500 रुपए किलो भाव तो होता है गाड़ी का। बम इश्को में बेटे, बेटे का मतलब क्या होता है? हाँ बेटे, बेटे। अरे मैं सुनसान जगह पर आ गई हूँ, मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी व्हीकल दिख रही है। जूती यहाँ पर क्या डरने वाला। झूठा क्यों बोला मुझे? क्योंकि यहाँ पर डरने वाला कुछ नहीं है। तुम्हारी टी शर्ट पे क्या लिखा है? डोंट, पीछे डोंट बी दिस सेम, डोंट बी द सेम, बी बेटर। आगे लिखा है बी बेटर। चलो डोसा का बेटर। हाँ बी डोसा का बेटर, ये टी शर्ट का बी डोसा का बेटर बन जाएगी। येलो कलर की क्या चीज है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए मस्ती करते करते, इसमें हंसने की क्या बात है। ओके, लड़ाई करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर अपनी मंजिल में जो है। आ गए हम। कितना बिल हुआ होगा गैस करो? 257 या 260 यूरो, मुझे लगता है 270। चलो खड़िए, साइड है। तुम जीते या मैं जीती? मैं जीता। कितना बोला था तुमने? मैंने 257 या 260 बोला था, 259 है। और मैंने 270 बोला। 270 बोला तो तुम्हारे लिए 11 यूरो कुछ फर्क पड़ता है मेरी हार और जीत के सामने? ये तो देख लो डिप्लोमेटिक। तो यार इतना लगा। अच्छा हाँ, तो एक्सीडेंट होता है तो ऐसा होता है। एक्सीडेंट हुआ क्या? ये हाँ कुछ तो हुआ है, या तो गाड़ी रुक गई होगी और जो भी है। देखो हाँ, तो देखो ये पुलिस आ जाती है, ये उठाने वाली गाड़ी आ जाती है। हाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है भयंकर। अभी डिटेक्टिव आ गई, डिटेक्टिव वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेती है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन लेती है। और फिर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर गाड़ी आप हिला नहीं सकते। अगर बीच रोड पर गाड़ी ठुक गई जरा भी और आपको इंश्योरेंस का वो प्रॉब्लम है, क्लेम करना है या सामने वाले को करना है, या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से निकल जाओ दोनों लोग क्लेम करके, हाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक को भी प्रॉब्लम है तो गाड़ी बीच रोड पर रोको, चाहे ट्रैफिक जाम लगे, दुनिया हिले इधर की उधर, पुलिस को फ़ोन करो और वहीं खड़े रहो जब तक पुलिस ना आए। गाड़ी को आप जरा भी साइड में भी नहीं लगा सकते। बहुत ट्रैफिक हो जाता है कभी कभी, तो हमने देखा है बहुत ट्रैफिक हो जाता है। इसकी बैटरी जो थी वो चेंज करवानी पड़ी, इस वजह से 150 यूरो एक्स्ट्रा लगा। कैसी चल रही है गाड़ी अब दीपक? मक्खन मक्खन यार, मजा तो आ जाता है गाड़ी, मतलब किसी भी बेचारे चीज को प्रॉपर खाना पाने दो। जैसा शरीर हो गाड़ी हो। और यहाँ पर तो प्रॉपर खाना
बिना देना ही पड़ता है। ये गाड़ी बोलने लगती है, यहाँ पर बताने लगती है, नोटिफिकेशन देने लगती है कि भाई आप सर्विसिंग करा दो, रोज रोज नोटिफिकेशन देने लगती है। ये तो कब से दे रही है यार, अपन इंडिया गए थे जब से चिल्ला रही है बेचारी। तो यहाँ की गाड़ियाँ तो मजा आ रहा है। अब हम लोग कौन सी ट्रिप पे जाएंगे? अब हम रेडी है लंबे ट्रिप के लिए। तो 15 जुलाई से बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं, सॉरी 15 जून से बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं, और अपन का बर्थडे है 16 जून को। तो दीपक नीड्स टू गिव सम सरप्राइज, जो सरप्राइज नहीं होगा पर हाँ सरप्राइज होगा, तो हम लोग अब कुछ प्लान करेंगे। चलो अब हम घर जाते हैं। आई थिंक आज का बहुत सारा वीडियो बन गया, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा यहाँ के प्राइजेस जब हम सर्विसिंग कराते हैं तो, और यहाँ के जो ऑटो सर्विस सेंटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जो सर्विसिंग थी वो शायद 60-70 यूरो थी मेरे ख्याल, 60-70 यूरो होना था, लेकिन 30-35 यूरो टायर चेंज करने के लगे और 150 यूरो बैटरी चेंज करने के लगे और प्लस वो अपना वो लेते हैं वो सब बता रहा हूँ मैं। वो 150 यूरो बैटरी और 40 यूरो टायर के हटा दो तो 70 यूरो करीबन कुछ हुआ। कितना इंडिया में कितना होता है? और यार डिपेंड करता है यार वहाँ पर, दूसरा गाड़ी पे भी डिपेंड करता है आपके, यहाँ पर यहाँ भी गाड़ी पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली। तो आज अच्छा खासा चूना लग गया 59 यूरोस का। उनको करना और कुछ देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। यू वांट टू टेल समथिंग? बाय।